पांडर रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आपको बताना है, 2 की पावर 736 / 117। तो आप कहोगे सर 117 को हम कैसे भाग दें हैं 2 की पावर 736 में। देखो 117 ना बराबर 13 × 9, जब भी ऐसा सवाल आए ना ब्रेक कर लिया करो, 13 × 9 ना को प्राइम नंबर में ब्रेक कर दो, 13 और 9 आपस में को प्राइम है। अब 13 और 9 से अलग अलग भाग कर लो, इनसे भाग करना तो आसान है ना, 2 की पावर 736 को 13 से भाग कर लो और 2 की पावर 736 को 9 से डिवाइड कर लो, तो दोनों को आप यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। 117 से भाग देना काफी मुश्किल है। अब 13 से भाग देना, 13 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से भाग देने का आपको पता है फर्मेट थ्योरम। अगर आप ए को भाग देंगे किसी प्राइम नंबर से, पी जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो पावर पी माइनस वन होगा, तो हमेशा रिमाइंडर एक आएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 13 से भाग दे रहे हैं, तो अगर पावर 12 होगी या 12 का कोई मल्टीपल होगी, अगर पावर 12 होगी या 12 का कोई मल्टीपल होगी तो रिमाइंडर एक आएगा, है ना। अगर प्राइम नंबर पी से भाग दे रहे हैं तो पावर एक पी से एक कम हो या उसका कोई मल्टीपल हो तो रिमाइंडर एक आएगा। तो 13 से एक कम होता है 12, तो 12 से भाग करेंगे 736 को, 12 × 72, 12 × 12 4 बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बचेगा बच्चों 2 की पावर 4 16, और 16 को 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब 2 की पावर 736 को भाग करना है 9 से, अब 2 का क्यूब तो 8 होता है, ये आसान है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 से कितना जा रहा है भाई, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और × 2 ऐसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे भाई 9, ठीक है ना। ये जो 2 का क्यूब स्टूडेंट, ये कितना बन गया, 2 का क्यूब तो 8 ही बन गया ना, 8। अच्छा 8 को मेरे प्यारे भाई भाग करेंगे 9 से, रिमाइंडर कितना आएगा -1, 8 को 9 से भाग करें रिमाइंडर -1 और -1 की पावर ऑड करेंगे -1 और 2 को 9 से भाग करेंगे 2 यानी कि -2, 9 से भाग करने पर -2 बच रहा है या फिर 7, तो रिमाइंडर आ गया 7। तो आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, तो यही मेंस का क्वेश्चन है कि एक ही सवाल में 2 अलग छोटे छोटे सवाल बना दिए, लेकिन आंसर क्या है बेटा, आंसर जो होगा ना आंसर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, मैंने 13 से भाग किया 9 से, 13 और 9 दोनों ही आपस में को प्राइम होनी चाहिए, को प्राइम में ब्रेक करना है, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आता हो, 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आता हो और 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता हो, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 बचता हो, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा। और कौन सा ऑप्शन है, 13 से भाग करने पर 3 नहीं आता, 13 से भाग करने पर 3 बच रहा है, 9 से भाग करेंगे 9 = 9 = 7 बच रहा है, यही आंसर है। 13 से भाग करने पर 3 नहीं आ रहा, नहीं यहां से 13 पे भाग करने पर आ रहा है, क्या है सवाल का आंसर, ए ऑप्शन। तो अगर आपको कंसेप्ट ना पता हो तो कंसेप्ट सीख लीजिएगा, किसी बड़े नंबर से भाग करने के लिए आ जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों से भाग कर लो। अब ऑप्शन से आप बता सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन आएगा जिसको 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आए, 9 से भाग करने पर 7, वो एक ही ऑप्शन है, यानी कि इस फॉर्म का आपका आंसर होना चाहिए।